मुझे तो ये सीखना चाहिए कि घर कैसे चलाते हैं, घर में क्या क्या काम करते हैं, खाना कैसे बनाते हैं, घर की सफाई कैसे रखते हैं, और जब कोई मेहमान आए तो उनकी इज्जत कैसे करते हैं। अच्छा बताओ बेटे, तो जो किताबें मैंने तुम्हें दी थी वो सब पढ़ ली तुमने? हाँ मामा जी, मैंने सब पढ़ ली, और पता है मैं क्लास में फर्स्ट आई हूँ। औरत, मैं भी एक औरत हूँ। तुम आदमी लोग हम औरतों को समझते क्या हो? अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें किसी इज्जतदार घर की बहू बनकर रहना है। मेरा पति? कौन है मेरा पति? तू उसे नहीं जानती, लेकिन थोड़े ही दिनों में तू अपने पति, अपने ससुराल वाले सबको पहचान जाएगी, सबको जान जाएगी, और वो लोग भी तुम्हें जान जाएंगे। लेकिन माँ जिसे मैंने देखा तक नहीं है, जिसे मैं जानती भी नहीं हूँ, उसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी कैसे बिता सकती हूँ? क्यों नहीं बिता सकती? हर लड़की बिताती है, हर लड़की की शादी होती है। वो कभी ना कभी तो अपने पति, अपने ससुराल वाले को पहली बार देखती है, और फिर उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता देती है। जिस घर में वो रहती है, जहाँ उसके माँ बाप है, भाई है, बहन है, वो घर थोड़े ही दिनों में उसके लिए पराया हो जाता है, अपना रह जाता है, तो फिर सिर्फ उसका ससुराल। यही हमारे यहाँ का रिवाज है बेटा। माँ, मगर शादी कोई गुड्डी गुड़ियों का खेल थोड़ी है, ये तो दो जिंदगियों का संयोग है। बिना किसी को जाने पहचाने तो एक दूसरे के साथ सारी जिंदगी कैसे बिता सकता है? देख निशा, यही जिंदगी है, और इस जिंदगी को इसी तरह से जीना पड़ता है। माँ, ये जिंदगी नहीं है, ये तो बच्चों पर अपनी मर्जी थोपना है, बच्चों के गले में फांसी का फंदा डालकर अपनी जिम्मेवारियों से मुक्त होना है। माँ, अगर यही रिवाज है, यही इस समाज का तरीका है, तो इस तरीके को मानने से मैं इनकार करती हूँ। देख बेटी निशा, तेरी माँ तुझे बिल्कुल ठीक समझा रही है। बेटे, हर लड़की को एक उम्र में आकर ससुराल जाना ही पड़ता है, और अब तुझे भी ससुराल जाना पड़ेगा। कौन सा ससुराल, कौन सा पति, कब हुई मेरी शादी एक ऐसे आदमी के साथ जो हमारे लिए बिल्कुल अजनबी है? मैं ऐसे आदमी के घर नहीं जाऊंगी। ये क्या कह रही है निशा? हम लोगों ने अच्छा खानदान देखकर तुम्हारे बचपन में शादी कर ली है, और तुम्हारे पिताजी ने उन लोगों को वचन दिया हुआ है। कौन सा वचन? मैं कोई वचन वचन में नहीं मानती। बदतमीज, मेरे सामने जबान चलाती हो? कान खोल करके सुन ले, आज तक इस घर में वही हुआ है जो मैंने चाहा है, और आगे भी वही होगा जो मैं चाहूंगा। कौन? इसके गोने की तैयारी कर, ये मेरा हुक्म है।
निशा, निशा बेटे खाना खा लो, मुझे नहीं खाना। ठीक है चलो खा लो। मुझे नहीं खाना है, मुझे भूख नहीं है। बेटे जिद नहीं करते, खा लो। मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना है, मतलब नहीं खाना है। देख बेटे समझने की कोशिश करो, तुम्हारे पिताजी ने तेज सिंह को वचन दे दिया है। अब तुम तो जानती हो कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन तुम्हारे पिताजी की कही हुई बात को कोई बदल नहीं सकता। और वैसे भी हम जिस समाज में रह रहे ना, उस समाज में अपनी दी हुई जबान से कोई मुकर नहीं सकता। मुकरने का मतलब है आपसी दुश्मनी, खून खराबा। मैं मर जाऊंगी, लेकिन आप लोगों की इस बात को हरगिज नहीं मानूंगी। मैं ऐसे आदमी को मेरी जिंदगी में कभी नहीं आने दूंगी जो मेरे लिए अजनबी हो। निशा, तुम्हारी ये जिद पूरे घर के वातावरण को चौपट कर देगी। और जब तुम्हारे पिताजी को तुम्हारी इस बेवकूफ भरी जिद का पता चलेगा ना, तो पता नहीं वो क्या कर डालेंगे। उन्हें जो करना है वो करे, मुझे जो करना है मैं कर रही हूँ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। ये क्या बकवास लगा रखी तूने? हाँ, चार लाइनें क्या पढ़ गई है? ये समाज के रीति रिवाज, मान मर्यादा सब कुछ भूल गई है तू? मैं तेरा बाप हूं, इस घर में मेरी मर्जी चलती है, और ये मेरा फैसला है कि तू ससुराल जाएगी। सुनिए, तुम चुप रहो। जब मैं बोल रहा हूं तो बीच में किसी को बोलने की इजाजत नहीं होती। इसने खाना नहीं खाया, ना खाए, 10 दिन ना खाए, भूख से मर जाए, लेकिन मैंने जो फैसला कर दिया है तो कर दिया। तुम भी चलो बाहर, इसे छोड़ दो अपने हाल पे। वाह बेटे वाह, सुना है बच्चे बड़े होकर माँ बाप को सहारा देते हैं। बहुत अच्छा सहारा दे रही है हमको। अपने बापू को इतना परेशान कर दे कि वो खुद को पकड़ ले, फिर चैन आ जाएगा तुझे। बात ध्यान से सुनो, कभी कभी ज्यादा गुस्सा करने से बनता काम बिगड़ जाता है। अभी कभी कभी चीजों को होशियारी से भी सुलझाना चाहिए। क्या करूं, उसके पांव पकड़ूं, गिड़गिड़ाऊं उसके सामने? अरे मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, निशा अभी बहुत छोटी है, बच्ची है वो, उसकी जिद को प्यार से भी तो तोड़ा जा सकता है। मेरी एक बात सुनोगे? क्या है? भैया को बुला लीजिए, वो उसकी बात जरूर सुनेगी। हाँ ये ठीक रहेगा। जीजा जी, मैंने तो आपसे पहले भी कहा था कि जमाना बहुत बदल चुका है, आज पहले वाली बात नहीं रही, और आज भी जो हो रहा है ना वो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अब उस वक्त आपको मेरी बात बुरी लगी थी, लेकिन मुझे डर इसी दिन का था जीजा जी। अरे छोड़ो ना भैया पुरानी बातें, अब जो होना था और जो होना है वो तो हो ही रहा है। अब तुम जाओ और निशा को थोड़ा समझाओ, समझाओ इसे कि वो समय को समझे। ठीक है, मैं समझा के देखता हूँ। क्या सोच रहे मामा जी? मेरे साथ ऐसा क्यों किया माँ और पिताजी ने? मैंने उनका क्या बिगाड़ा था? क्यों उन्होंने मेरी शादी कर दी?
मैं मर जाऊंगी मामा जी, मैं मर जाऊंगी। सुतनी, रोना किसी परेशानी का हल थोड़ा ही है, है? जो तुम्हारे साथ हुआ है बेटे, वही तो हमारे समाज का कोड है, इसी को तो हमें बदलना है। ये महान औरतों ने इसी बात के लिए लड़ाई की थी, इन्हीं सब बातों के लिए लड़ाई की थी, तुम्हें भी वो लड़ाई लड़नी है, परेशान मत हो। मामा जी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मेरी शादी हो गई है, और ऐसी शादी जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसमें कोई प्यार नहीं है। नहीं, अरे ऐसे हिम्मत थोड़ी आते हैं, तुम तो बहादुर हो, तुम्हें लड़ाई लड़नी है, रो के थोड़ी लड़ाई लड़ी जाती है, हिम्मत से लड़ी जाती है। नहीं, थोड़ा बंद करो। क्या हुआ, निशा से बात हुई, मान गई? कुंवर जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं मैं आपसे क्या कहूं, मुझे आपने खाली बुला लिया। तो फिर अब क्या होगा, कल तो उसके सास ससुर आ रहे हैं, उसका गौना है कल। कुंवर जी, पहले भी मेरी कोई सहमति नहीं थी इस बारे में, आज भी कोई सहमति नहीं है, लेकिन आपसे मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बस मैं चलता हूं। परिवार की आबरू और उसकी तकदीर तुम्हारे हाथ में है, हमारी लाज रखना। बेटा, हमेशा मान मर्यादा में रहना, कभी कोई ऐसा काम मत करना कि लोग हमारी तरफ उंगली उठाएं। भगवान सदा सुखी रखे। हम आपकी अमानत आपको सौंप रहे हैं। जाओ बेटा। पति? हाँ पति। क्या ये शादी तुम्हारी मर्जी से हुई? इसमें मर्जी की क्या बात है, हमारे माँ बाप ने हमारे लिए जो भी कुछ किया है सोच समझ के ही किया होगा। शादी ना हुई, गुड्डे गुड़ियों का खेल हो गया। लेकिन हमें अपने बुजुर्गों की बात की इज्जत करनी चाहिए। सिर्फ हमें?
क्या उन्हें हमारे भावना के बारे में नहीं सोचना चाहिए? लेकिन उन्होंने जो भी कुछ किया है हमारे भले के लिए किया है। उन्होंने जो भी कुछ किया है अपनी झूठी आन और शान के लिए किया। अगर तुम्हें इस शादी से इतना ही एतराज था तो तुमने गौने से पहले अपने माँ बाप को क्यों नहीं बताया? मैंने बताया था लेकिन उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। चलो खैर, अब तो जो होना था वो हो गया, अब हम पति पत्नी हैं। मुझे शादी से इनकार है। क्या कह रही हो तुम? तुम अपने होश में तो हो? मैंने ये शादी अपने माँ बाप की मर्जी से की है। मुझे इस शादी से पहले भी इनकार था और अब भी है। मैंने तुम्हें कभी अपना पति नहीं माना, ना ही तन से ना ही मन से। क्या बात है, रात को दीप तेरे कमरे में नहीं बाहर सोया था? मुझे यहाँ नहीं रहना। बेटा ऐसा नहीं कहते, अब तो यही तेरा घर है। माना कि यहाँ के लोग जाने पहचाने नहीं है लेकिन थोड़े दिनों में जान पहचान हो जाएगी। मैंने कहा ना मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने घर जाना है। बुआ ने सही कहा था, लगता है इस पर कोई भूत प्रेत का छाया है। इसे किसी ओझा को दिखाना पड़ेगा। बिन्नी बेटा, बेटा बिन्नी, दीपी खाने का वक्त हो गया है, जा खाना ले आ। जा बेटा। दीप, तुमने अब तक खाना नहीं मंगवाया? ओ माँ, मैं थोड़ा काम में था तो इसलिए ध्यान नहीं दिया। वाह माँ, आज तो मेरी किस्मत खुल गई। क्यों बेटा? अरे बीवी के हाथ का परोसा हुआ खाना खाने को मिल रहा है। बेटा, दीप ने कुछ तुझसे पूछा है, तूने उसका जवाब नहीं दिया। ये कैसा खाना है माँ? क्या हुआ बेटा? अरे दाल में नमक ही नहीं है। अब मुझे क्या पता था, मैं जो इसे काम देंगी सारा उसका सत्यानाश करेगी।
अरे तो मेरा काम तुम इसको मत बोला करो करने के लिए। ठीक है बेटा, नहीं बोलूंगी, लगता है पगली है। बेचारी दीप के माँ की तकदीर ही खोटी है, खुद तो इतने अच्छे है, बहू तो बाप रे बाप। कोई माँ के पैसे सिक्के नहीं आता, उसकी माँ ने सिखा ही नहीं होगी। अच्छा हुआ जो मैंने उससे बात नहीं की, उसकी जवान तो इतनी कड़वी है, बाप रे बाप। दीप क्या सोच रहे हैं बेटे? माँ, एक कैसी लड़की से तुमने मेरी शादी करा दी? शादी वाली रात जब मैंने उसे कहा कि मैं दीप हूं तुम्हारा पति, तो पहले तो वो मुस्कुराई और फिर कहने लगी कि क्या ये शादी तुम्हारी मर्जी से हुई है? फिर तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि ये हमारे बुजुर्गों का फैसला है और हमें अपने बुजुर्गों के फैसले की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन वो तो अपनी ही बात पर अड़ी रही, उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। तभी तो जब मैंने उससे पूछा कि दीप बाहर क्यों सो रहा था तो कुछ नहीं बोली। मैं जानता हूं मां, लेकिन मुझे उसके साथ सारा जीवन बिताना है, कम से कम शादी से पहले पूछ तो लेना चाहिए था कि मैं उसे पसंद हूं या नहीं। मुझे तुम पर बहुत भरोसा था माँ। मगर बेटे, हमारे यहाँ शादी ऐसे ही होती है। मैं जानता हूँ माँ, लेकिन उस शादी में लड़के और लड़की को कोई एतराज नहीं होता, लेकिन यहाँ पर निशा को एतराज है। ये सब आपकी वजह से हुआ है माँ। वाह बेटा वाह, तुमने अच्छा फर्ज निभाया, अरे हमें ही कसूरवार ठहरा दिया। ये बात सुनने से पहले हम मर क्यों नहीं गए? अच्छा सिला दिया है तुमने हमारे प्यार का। तेरे बापू ने तुझे पाने के लिए कोई मंदिर नहीं छोड़ा। कहां कहां मन्नतें नहीं मांगी, नंगे पैर यात्राएं की, क्या इसलिए कि जवान होकर तू हमें ताने देगा? अरे हमने तो सोचा था तो बड़ा होकर हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, हमारा सहारा बनेगा, मगर भूल किससे नहीं होती, और हमने क्या तेरा बुरा चाहा था? माँ आप तो बस बेटा बस, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। अच्छा घर देख के हमने तेरी शादी की, अब बहु पागल निकली, मगर तू तो हमारा अपना बेटा है। बेटे तूने ये बात मुझसे तो कह दी, मगर अपने बापू से मत करना, वरना वरना वो जीते जी मर जाएंगे। ये क्या कह रही हो माँ आप? और कुछ नहीं बेटा, तेरी मिन्नत कर रही हूं। माँ आप समझ नहीं रही हो। हाँ बेटा, मैं अनपढ़ हूं, गवार हूं, हर पढ़ा लिखा तो तू ही है ना। अच्छा माँ, मैं आपसे माफी मांगता हूँ।
अरे नहीं बेटा, माफी तो हमें तुमसे मांगनी चाहिए। नहीं माँ। बस बेटा, हम कल ही निशा को बुआ और ओझा के पास लेके जाएंगे और तू भी हमारे साथ चलेगा। माँ, निशा पागल नहीं है, आप ये बुआ और ओझा के चक्कर में मत पड़ो। क्यों ना पड़े, अरे हमने तेरी शादी करवाई है तो तेरी गृहस्थी भी तो हमें ही संवारनी पड़ेगी ना। मैं तुमसे फिर कहता हूँ माँ, निशा पागल नहीं है। अगर वो पागल नहीं है तो शादी के बाद वो तुझे अपना पति क्यों नहीं मानती? कोई रुके या